23 जून को पटना में गैर भाजपाई दलों का एक बड़ा बैठक होने वाला है। इस बैठक में संभावना व्यक्त की जा रही है कि कम से कम 18 दल आएंगे। लिस्ट रेडी हो गई है, उस लिस्ट में कई नाम चौंकाने वाले हैं। होना और नहीं होना दोनों चौंकाने वाली बात है। हम आपको पूरे विस्तार से बताते हैं कि इस बैठक को लेकर के जितनी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और जो भारतीय जनता पार्टी इस बैठक को लेकर के चिंतित भी है और कहा जा रहा है कि झेप भी रही है, दोनों बातें हैं। एक तरफ इस बैठक की सफलता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर ले जाएगी, तो असफलता जहां एक तरफ इस तरह के गठजोड़ को लेकर के हास्य का पात्र बनाएगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप मिल जाएगा, खुला मैदान मिल जाएगा जिसमें वो धड़ाधड़ गोल करेगी। इसकी तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। अब इस बात को भारतीय जनता पार्टी भले ही इनकार करे कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन जब किसी के घर में चोरी हो और वो सामान किसी और के यहाँ मिल जाए तो चोर तो वही होगा। अक्सर ऐसा सभी दलों के साथ होता है, लेकिन अभी वर्तमान में 2024 के चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की महागठबंधन, ये दोनों ही साम दाम दंड भेद अपना रही हैं और इसमें कई दिग्गज लगे हुए हैं। महागठबंधन को बेहतर से बेहतर बनाने और देशव्यापी गठबंधन को मजबूत से मजबूत बनाने के लिए लालू प्रसाद हों, नीतीश कुमार हों, तेजस्वी यादव हों, ललन सिंह हों, इन लोगों ने जीतोड़ मेहनत किया है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लगातार अलग अलग राज्यों में जाना, स्वीकृति अस्वीकृति को भी सहर्ष स्वीकार करना और उसके लिए पटना में एक बैठक का आयोजन करना, यह हालांकि आयोजन नीतीश कुमार के इच्छा से नहीं पटना में हो रही है, बल्कि ममता बनर्जी चाहती थी कि ये मीटिंग पटना में हो। अब ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी एक दिन पहले ही आ जा रही हैं, बैठक को लेकर के महागठबंधन के दल अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी तैयारी कांग्रेस में हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ युवराज राहुल गांधी भी आ रहे हैं। तो इन सारी बैठकों की बात अगर की जाए तो इसमें जो लिस्ट हमारे सामने आया है उसमें आने वालों के लिस्ट में आज जो लोग आ जाएंगे उसमें 3-4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, जिसमें ममता बनर्जी, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया, ममता बनर्जी इस बैठक में सबसे पहले एक दिन पहले आ रही हैं। इसके अलावे आपको बता दें कि इस बैठक में अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के साथ उन्हीं की पार्टी की सरकार पंजाब में है, तो वहाँ से भगवंत मान यानी 3 राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा होंगे, जो एक दिन पहले ही आ जा रहे हैं। और इन तीनों का एक साथ आना एक नई कहानी को जन्म दे रहा है, जो पिछली खबर में आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का डबल फायदा इस बैठक से होने वाला है। उनके सामने कई प्रस्ताव हैं और उस प्रस्ताव को कहीं ना कहीं साथ दे रही हैं, उसके साथ खड़ी नजर आ रही हैं ममता बनर्जी। इस गठबंधन में भी कई गुट बनने शुरू हो गए हैं। गठबंधन बनने से पहले गुटबाजी शुरू हो चुकी है, यानी कि ममता बनर्जी के सामने जो गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए उन्होंने पटना में बैठक बुलाने की बात कही थी, अब उनके सामने विकल्प खुले हुए हैं। तो ये 3 जो मुख्यमंत्री हैं 3 राज्यों के, ये एक दिन पहले आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती जो कि एक CM है वो आ रही हैं। एक CM रहे उमर अब्दुल्ला आ रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के दोनों ही CM रह चुके हैं। तो वहीं एक वर्तमान मुख्यमंत्री और आ रहे हैं, MK स्टालिन, जिनको कई बार निमंत्रण देने, उनसे जाकर के मिलने के बाद उनके कार्यक्रम में खुद तेजस्वी यादव और संजय झा जाकर के उन्हें फिर से आमंत्रित कर गए हैं कि आपको इस बैठक में आना है। अपनी व्यस्तता के बावजूद भी वो 23 तारीख को ही आएंगे और मीटिंग करेंगे और मीटिंग से वापस चले जाएंगे। इसके साथ साथ हमने आपको पहले बताया कि इस, ये देखिए, ये जो लिस्ट हम बता रहे हैं ये ज़्यादा चौंकाने वाला नहीं है। असल चौंकाने वाला लिस्ट वो है जिसको हम दिखाएंगे आपको कि ये नहीं आ रहे हैं। इसके अलावे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों स्पेशल विमान से आ रहे हैं, चार्टर प्लेन से आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि झारखंड के वर्तमान जो CM हैं हेमंत सोरेन वो भी आ रहे हैं, यानी वर्तमान 5 CM हो गए।
जो कि आ रहे हैं, इनमें कितना सिमिलरिटी होगा, कितना ये इस गठबंधन को मजबूत करेंगे, ये अलग मुद्दा हो सकता है। इसके अलावे यूपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव, उनके आने की बात हो गई है, शरद पवार की बात हो गई है, उद्धव ठाकरे की बात हो गई है, ये सब लोग 23 तारीख को ही आ रहे हैं। तो वहीं सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल के नेता आने की सूचना तो है, लेकिन नाम तय नहीं है कि कौन आएगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा अपनी पार्टी को। हालांकि सीपीआई की तरफ से डॉक्टर डी राजा का नाम सामने आ रहा है, और इसके अलावे दो और दल हैं जिसमें एक राष्ट्रीय जनता दल है और एक जनता दल यूनाइटेड है। अब ये तो नाम हो गए जो उस लिस्ट में शामिल हैं कि आ रहे हैं, लेकिन इस लिस्ट में से कौन कौन नहीं आ रहे हैं और विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध गैर भाजपाई दल है, उसमें से बहुत सारे ऐसे दल हैं जो नहीं आ रहे हैं। सबसे पहला नाम चर्चा में जो है वो है मायावती। मायावती इस बैठक का हिस्सा नहीं है। किस समाज से आती हैं? दलित समाज से। लिखते जाइएगा, दलित समाज से आने वाली मायावती पहली हो गई। दलित समाज से दूसरे नेता जो आरएलजेपी, पशुपति कुमार पारस नहीं आ रहे हैं। अभी वो एनडीए का हिस्सा हैं, इसलिए उनके आने नहीं आने से बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और ये संभावना भी व्यक्त की जा रही थी उनके आने का कोई मतलब भी नहीं, वो आएंगे भी नहीं। लेकिन चिराग पासवान जो गठबंधन का हिस्सा नहीं है किसी, उनको निमंत्रण दिया जा सकता था, नहीं दिया गया, यानी दो दलित नहीं आ रहे हैं। इसके अलावे एक और जो बहुजन समाज पार्टी है जिसके चंद्रशेखर रावण नेता हैं, उनको भी निमंत्रण नहीं दिया गया है। दलित समाज का ही अगुवाई करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी नहीं आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला नाम है जीतन राम मांझी, जो 3 दिन पहले महागठबंधन को अलविदा कर चुके हैं, टाटा बाय बाय कर चुके हैं, वो एनडीए का हिस्सा विधिवत बन गए हैं, और 23 तारीख की मीटिंग से ठीक 48 घंटे पहले उन्होंने घोषणा कर दिया कि वो अब एनडीए के हिस्सा है। तो सबसे बड़ी बात यह हो गई कि दलित समाज से नेताओं की अकाल पड़ गई है, कोई भी दल जो दलित समाज का प्रतिनिधित्व करता है वो नहीं आ रहा है, सबसे चौंकाने वाला यह है। तो दूसरी तरफ चौंकाने वाला एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति सबसे पहले पटना आकर के नीतीश कुमार को उनकी मीटिंग में शामिल था और विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहा था, वो केसीआर नहीं आ रहे हैं। इतना ही नहीं, नवीन पटनायक जिनको जा करके नीतीश कुमार ने मनाया था और कहा था कि इनसे बहुत मेरा पुराना रिश्ता है, इनके बाबूजी हमको बहुत प्यार करते थे, वो भी नहीं आ रहे हैं। उन्होंने खुल करके कह दिया कि नहीं आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जो इस भाजपा विरोधी गुट के एक मजबूत, सशक्त और काफी कहा जाए तो लड़ाका हो सकते थे चंद्रबाबू नायडू, वो भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको इस बार मौका मिल गया है। जिस तरह से उन्होंने प्रयास किया था 2018 में विपक्ष को एकजुट करने का, उनको किसी ने भाव नहीं दिया, आज उनके पास मौका है और वो इस बात को समझ गए हैं शायद कि इस गठबंधन में कुछ भी अभी होने वाला नहीं है, हो सकता है आगे बहुत कुछ हो। इसके अलावे बिहार की एक और पार्टी है जो अति पिछड़ों की है, उसको भी नहीं बुलाया गया है। तो एक और अति पिछड़ों की पार्टी है, उसे भी नहीं बुलाया गया है। जहां एक तरफ मुकेश सहनी को शामिल नहीं किया गया है जो कि वीआईपी के प्रमुख हैं, तो वहीं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी को भी इसमें शामिल होने का निमंत्रण नहीं दिया गया है। ये छोटे छोटे दल जरूर हैं, लेकिन इनकी बड़ी राजनीतिक पैठ है। वोटों की सेंधमारी अगर करने की सोच रहे हैं आप, तो इनके बिना नहीं हो सकती है, और भारतीय जनता पार्टी को अगर लड़ाई में परास्त करना है तो छोटे छोटे हथियार बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि बड़े हथियार नजर आते हैं और छोटे हथियार ध्वस्त कर देते हैं। ऐसी स्थिति में इन सभी का नहीं आना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस पूरे लिस्ट में
जो नाम है वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो ये खेमा बनाया जा रहा है, जो एक गठबंधन बनाने की कोशिश हो रही है, ये और इसकी सफलता दोनों अभी सवालों के घेरे में हैं। 23 तारीख को जब मीटिंग समाप्त होगी, प्रेस वार्ता होगा, नीतीश कुमार इस मीटिंग में शामिल होंगे, तब जाकर के इस मीटिंग का कोई औचित्य होगा, और जब ये सब मिलकर के कहेंगे स्पष्ट होकर के कि हाँ हम तैयार हैं, वो सारी बातें जो पहले हमने आपको बताई कि कांग्रेस क्या चाह रही है, अभी कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं होगा, लेकिन इन सारी बातों के साथ अब नीतीश कुमार क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और इसी पर टिका हुआ है ये सारा सब कुछ। अगली खबर जल्दी ही मुलाकात करते हैं, और अगली खबर बहुत ही विस्फोटक खबर है, हम आपको जल्दी ही सुनाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।